Do you want me to? फ्रेंड्स, मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे चैनल एडिटिंग जोन में। सो गाइस, आज की स्टूडियो में हम सीबी एडिटिंग सीखेंगे, तो देखते हैं कैसे क्या सीबी एडिटिंग करना है। तो ये सबसे पहले एक पिक चूज कर लेते हैं, मैंने ये देख सकते हो आप, इस पिक को आप अच्छे से चेक कर लीजिए कैसी क्या लग रही है, अभी देख लीजिए, फिर बाद में एडिटिंग के बाद में देखेंगे कि कैसी बनती है। तो इसे हम सबसे पहले स्नैपशीट में ओपन करते हैं, यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ उसे स्नैपशीट में। वैसे तो आपके पास होगा स्नैपशीट ऐप, यदि ना हो तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है ट्यून इमेज। ट्यून इमेज में आपके पास ये सब ऑप्शन मिलेंगे, ब्राइटनेस वगैरह को, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहूँगा, कम करना चाहूँगा। अब देख लेना अपनी इमेज के हिसाब से, मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा करना चाहूँगा +2। इसके बाद कॉन्ट्रेस्ट के यहाँ पर इसे मैं थोड़ा, देखते हैं जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। इसके बाद आता है स्ट्रेचन, इसको अपन कर देते हैं फुल, ठीक है, इसको आप फुल कर देना। फिर आता है ये फोर्थ नंबर का एम्बिनेंस क्या है जो भी, इसे भी आपको फुल करना है या फिर कम करके देख लीजिए। या मैं इसको करना चाहूँगा लगभग 70 तक, जो इससे ऊपर था इसको भी लास्ट में करता हूँ 77 तक। इसके बाद आता है हाइलाइट्स, इसको मैं करके देखता हूँ, लो करते हैं इसको, यहाँ पे मैं रखता हूँ -50 के समथिंग। इसके बाद शेडो की बात करें तो मैं शेडो को करता हूँ, एक मिनट ज़्यादा करके देखते हैं, शेडो कर देते हैं यहाँ से समथिंग -80 तक। यहाँ पे अपन -100 भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से -90 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है वार्म में आप ज़्यादा देख लीजिए, यहाँ पे कम, तो मैं यहाँ पे +7 तक करना चाहूँगा, +7। इसके बाद यहाँ से मैं टिक मार्क कर दूँगा इसमें। इसके बाद यहाँ से इसको जो फेस है वो क्लीन कर लेंगे, फिर ट्यून इमेज भी जाएंगे, यहाँ से बीच वाला चूज करके यहाँ पे कोने में क्लिक करना है और इस फोटो को जूम करना है, जूम करके अपने फेस को साफ़ कर लेना है। आप आराम से फेस साफ कर लेना, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। तो आप इसे जल्दी वो आराम से कर लेना, यहाँ पे अच्छे से जूम करके अपने कान वगैरह, नाक, हाथ भी अच्छे से करना आपको, क्योंकि हाथ भी आपके शायद डार्क हो गए होंगे। देखिए जहाँ जहाँ आपके ये कलर अच्छा नहीं लग रहा वहाँ से आप इसे रिमूव कर लीजिए। तो मैं अपने मतलब फेस वगैरह से अपनी आई वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ करता हूँ। और यदि आप इसी पिक को एडिट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फोटो की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप इस फोटो को डाउनलोड करके एडिटिंग कर सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स और साथ में फोटो एडिटिंग की वीडियोज मिलती रहती है। ये देखिए मैंने फेस से अच्छे से साफ कर लिया है, तो मैं यहाँ से इसे टिक कर लेता हूँ फोटो को। ये देखिए यहाँ से बैक ले लेते हैं। इसके बाद अपन जाएंगे लास्ट में HDR Escape में, अपन HDR Escape को यहाँ से +25 तक रख लेते हैं इस, और ब्राइटनेस को मैं थोड़ा कम रख लेता हूँ, -10 तक रख लेते हैं इसको। फिर आता है स्ट्रेचन को करते हैं अपन, यहाँ से मैं लगभग 28-29 तक कर लेता हूँ, 21 तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ टिक मार्क। ये देखिए फेस पे फिर से थोड़ा आ गया, तो यहाँ पे वापस जाएंगे व्यू एडिट्स के बाद में HDR Escape ये चूज करना है, फिर ये, और फेस पर जल्दी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इसे। ये देखिए मतलब थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, पहले से किया हुआ था रिमूव, ठीक है। यहाँ से अब मैं टिक मार्क कर देता हूँ, उसमें बैक ले लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे अपनी जो भी फोटो है वो अच्छे से एडिट हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी वीडियो को बैक मत लेना, अभी कुछ बाकी है इसमें। ये देखिए पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। अब चाहो तो इतनी भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यदि आप चाहो तो इसे यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा आप चाहते हो और एडिट करना तो इसे आप लाइट रूम में एडिट कर सकते हो, लाइट रूम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो लाइट रूम ओपन करते हैं, एडोब फोटोशॉप लाइट रूम, यहाँ से इसे ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ऐड फोटो पर जो भी फोटो अपन ने स्नैपचैट में सेव की थी वो यहाँ पर अपन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो गई है, यहाँ से अब इसको चूज़ करना है। ये लाइट रूम का वर्जन मेरा पास पुराना वाला वर्जन है, आपको प्ले स्टोर पर थोड़ा नया वर्जन मिलेगा, तो आपको शायद चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये पुराना वर्जन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लेना लाइट रूम ओल्ड वर्जन। यहाँ पे देखिए आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह को थोड़ा कम या ज़्यादा करके देख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करना चाहूँगा इसको, लगभग कर लेता हूँ मैं +50 तक, यहाँ पर +50 के आसपास कर लीजिए। हाईलाइट्स को आपको कम या ज़्यादा करके देख लीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर +10
10 भी नहीं तो +5 के समथिंग करना चाहूँगा, +10 और +5 कर सकते हो आप। यहाँ पे शेडो आप ज़्यादा कर भी सकते हो कम, तो देखते हैं क्या करना है। पर को ना यहाँ पे करना चाहूँगा शेडो को -20 तक, वाइट्स को आपको थोड़ा कम करना है, -10 या 20, -20 तक कर लीजिए। इसके बाद ये है ब्लैक्स, ब्लैक्स को आपको करना है +20 समथिंग, +20 के समथिंग। और जो क्लियरिटी आप इसको थोड़ा बढ़ाकर देख लीजिए, जहाँ आपको फोटो अच्छी लगे वहाँ पर कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूँ इसे +13। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे कोने में जाना है और विंटेज करना है, तो यहाँ से आपको अमाउंट कम कर लेना है और फिर मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है इसको, और फिर है फेदर, फेदर को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। हेलो, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है और कलर वाला ऑप्शन चूज करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले ही अपनी, मतलब यहाँ से ही अपनी ये वाला काम किया था, यहीं पे अपनी फ़ोटोज़ को सेव कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो गई है। इसके अलावा आप थोड़ी और एडिटिंग करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, एक बार ये सेव हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी सेव हो गई है। इसके बाद आप चाहो तो और एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में जाकर ये कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से कुछ करके ऐसे ये देख सकते हो आप, थोड़ा कलर चेंज हो गया, ग्रीन को भी थोड़ा येलो वगैरह कर सकते हो यहाँ से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा यहाँ पे, और ये देखिए बैकग्राउंड का थोड़ा कलर चेंज कर सकते हो आप इसको लाइटिंग वगैरह करके। ये देखिए आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड वगैरह की, या फिर अपने जो कपड़े हैं उनके कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने पहली वाली ही पिक की सेव कर लेनी है, जैसे मैंने सेव कर ली थी वही। तो मैं आपको चेंज दिखाता हूँ क्या चेंज हुआ। पहले अपनी पिक ऐसी थी विदाउट एडिटिंग, आप देख सकते हो कैसी थी। इसके बाद अपने एडिटिंग की कर ली है, उसके बाद अपनी कैसी बनी है, यहाँ पे लाइट रूम में सेव की थी, ये देखिए कितना डिफरेंट हो गया दोनों पिक्स में, आपको थंबनेल में भी डिफरेंट दिख रहा होगा। तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।